नमस्कार सर, आप UPSRTC के असिस्टेंट रीजनल मैनेजर हैं। यस और सर सर्वप्रथम आपका टेक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सर ये है कि UPSRTC की तरफ से UPITS यानी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 को देखते हुए किस तरह के इंतजाम बसों को और ट्रांसपोर्ट को देखते हुए किए जा रहे हैं? इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पूरी तरह से तैयार है, अपने बस बेड़े को की साज सज्जा और बिल्कुल बहुत मॉडर्न तरीके से इनको बस का संचालन शुरू करेंगे हम यहाँ पर। और एक समय सारणी है जो 24 घंटे यहाँ पर सभी यात्रियों के लिए हमारी सेवाएं जो है उपलब्ध होगी, विशेष तौर पर सिटी सेवा के अंतर्गत, सिटी के अंतर्गत जो ग्रेटर नोएडा जहाँ पर ये फेयर लगेगा और नोएडा सेक्टर 62, इन सभी को जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ चालकों परिचालकों की काउंसलिंग भी निरंतर की जा रही है, जिसे उस संबंध में उसके बताया जा रहा है कि आप गलत पार्किंग नहीं करेंगे, आप सही पिकिंग पॉइंट पर यात्री को उतारेंगे और बैठाएंगे, सभी के साथ मृदु व्यवहार करेंगे और उनको कोई अगर जानकारी की जरूरत है तो वो भी ड्राइवर कंडक्टर उनको जानकारी देगा। सर इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विदेशों से भी लोग आने वाले हैं, उनको देखते हुए किस तरीके से जो चालक हैं उनको किस तरीके से गाइड किया जा रहा है, क्या इंतजाम उस चीज को देखते हुए किया जा रहा है? उसी के लिए हम डेली काउंसलिंग कर रहे हैं चालक परिचालकों से, उनको बताया जा रहा है, गाइडलाइन भी आ गई है कि आप उनको उसी तरह से काउंसलिंग के तहत तैयार करेंगे कि एक अपना ड्रेस में रहेंगे, अपना बैज अपने सीने पर लगाएंगे, नेम पट्टी का लगाएंगे, तो उसका आइडेंटिफाई रहेगा कि हाँ ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक कार्मिक है, चालक या परिचालक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।